रविवार को बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में लिंक रोड पर हुए सड़क हादसे को लेकर मंगलवार को मजदूरों ने शनिचरी बाजार में चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में चक्का जाम कर रहे मजदूरों को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल हादसे में मृत हुई महिला मजदूर के मुआवजे और घायल मजदूरों के बेहतर इलाज की मांग को लेकर मजदूरों ने संगठित होकर शनिचरी बाजार में सुबह चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से एक छोर से दूसरे छोर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को सहायता राशि प्रदान कर घायल मजदूरों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया, जिसके बाद मजदूरों ने चक्का जाम समाप्त किया। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने कुछ इस प्रकार। वाहन दुर्घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी और 8 अन्य घायल थे, जिसमें जो है आज मुआवजे की और इलाज की मांग को लेके मजदूरों के द्वारा शनिचरी रपटा में वहाँ मार्ग व्यवस्था बाधित किया गया था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा उपस्थित होकर के उनको राहत राशि प्रदान की गई है और उसमें बाकी सभी के समुचित इलाज की व्यवस्था की बात की गई है, जिससे उन्होंने अपना जो व्यवधान था उसको ख़त्म किया है और सभी अभी अपने घर को जा रहे हैं। स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी प्रकार की कोई लैंड ऑर्डर वाली बात नहीं है।